हाय फ्रेंड, दिस इज़ पलक मालविया। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड ये वीडियो है, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था, दीदी हरियाली तेज आ रही है, तो प्लीज़ उस पर कुछ मेकअप लुक आप क्रिएट करके बताएं। तो उसी पर ये मैंने वीडियो बनाई है, तो आइए देखते हैं मैंने कैसे क्रिएट किया है मेकअप लुक। यहाँ पर मैं अल्फ गुडनेस का तुलसी टोनर यूज़ कर रही हूँ एज अ टोनर। आप कोई भी यहाँ टोनर यूज़ कर सकते हैं। टोनर अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर सीरम अप्लाई किया। सीरम ये NYBA का सीरम है, 2 से 3 ड्रॉप मैं यहाँ पर सीरम यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा सीरम है, काफ़ी लाइट वेट सीरम है, और सीरम को मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। सीरम अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इससे आपका जो बेसिक काफ़ी फ्लॉलेस दिखेगा और आपका फाउंडेशन बिल्कुल केकी और पेची नहीं होगा। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से सीरम को अप्लाई कर लिया है। देन सीरम अप्लाई करने के बाद यहाँ मैं सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा सीरम है, सॉरी मॉइस्चराइज़र है। तो अच्छे से पूरा उसके अपने फेस में से अप्लाई कर रही हूँ। देन आफ्टर मॉइस्चराइज़र मैं यहाँ पर अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए एक लिप बाम ले रही हूँ और अच्छे से उस अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। देन फिर यहाँ मैंने एक ADS की कंसीलर पैलेट ली है और इसी पैलेट से मैं अपना पूरा बेस रेडी करूँगी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र के बाद में प्राइमर भी अप्लाई किया था बट उसकी क्लिप यहाँ से स्किप हो गई है। तो आप मॉइस्चराइज़र के बाद में प्राइमर ज़रूर अप्लाई करिए ताकि आपके जितने भी पोर्स है वो ब्लर आउट हो जाए और जितना भी मेकअप प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन में ना जाए और आपका बेस भी बहुत फ्लॉलेस बने। तो डॉट डॉट करके मैं अपने इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और अब मैं इसे अपने नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ। जब भी आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करें तो मेक श्योर आप फेस के साथ साथ अपने नेक को भी कवर करें, अदरवाइज़ फेस आपका अलग दिखेगा और फिर नेक अलग दिखेगी। और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। और आप कोई भी यहाँ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते, जो आप फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हैं, जो आप यूज़ करते हैं वो फाउंडेशन भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से आप इसकी ब्लेंडिंग कर दीजिए। ब्लेंडिंग में आप बहुत अच्छे से टाइम दीजिएगा ताकि आपका बेस बहुत अच्छे से फ्लॉलेस बने। उसके बाद मैं फिर एक शेड अपने स्किन से लाइट ले रही हूँ और एज ए कंसीलर उसे मैं अपने अंडर आई एरिया पे, आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो और फोरहेड पे से मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो कोई भी कंसीलर जो आपकी स्किन टोन से 1-2 शेड लाइट हो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग आपको करनी है। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से पूरी जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ वहाँ मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है। इसके बाद में मैं इसे सेट करने के लिए एक कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी, या तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं या फिर लूज़ पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर लिया है और पूरे अच्छे से मैं अपने पूरे बेस को सेट कर रही हूँ ताकि मेरा बेस बिल्कुल फिक्स हो जाए और उसमें कोई भी लाइंस या क्रैक्स ना दिखें। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर ले रही हूँ। ये है ब्राउन शीट में है, ब्लैक नहीं है, और अच्छे से मैं अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी आईब्रो पेंसिल भी ले सकते हैं या फिर कोई भी ब्रो पाउडर भी ले सकते हैं और अपनी आईब्रो को अच्छे से फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना आईब्रो फिल करने के बाद कितना चेंजेस आ जाता है आईब्रो में, कितनी नेचुरल आईब्रो लग रही है। उसके बाद में फिर मैं एक आईब्रो ब्रश की हेल्प से इसे सेट कर लूँगी ताकि जो प्रोडक्ट है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। सो आई शेडो के लिए यहाँ पर मैंने मॉर्फे का पैलेट लिया है। आप कोई भी आई शेडो पैलेट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत लाइट ब्राउन शेड मैंने यहाँ से पिक किया है और जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है आप उसे रिमूव कर दीजिए और फिर एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से एज अ ट्रांजिशन शीट में से अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। देख सकते हैं मैं किस तरीके से अप्लाई करी, वैसे ही आपको अप्लाई करना है। और एक बार में आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते हुए इसे बिल्ड करना है।
और ब्लेंडिंग भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जितना अच्छे से आप ब्लेंडिंग करेंगे उतने अच्छे से आपका आई शेडो अप्लाई होगा। देन फिर अब मैं यहाँ पर ये ग्रीन शेड पिक कर रही हूँ और एक मैंने स्मॉल ब्रश लिया है। एंड फिर मैं इसे अपने सिर्फ आउटर वी में धीरे धीरे प्लेस करूँगी। और मैं इसे अपनी पूरी लिड पर अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ आउटर वी पे ही मैं इसे अप्लाई करूँगी। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते हुए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। आउटर वी से मैं इनर की तरफ जा रही हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ वैसे ही आपको अप्लाई करना है। बहुत आराम से आप आई शेडो अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजीली आपका आई शेडो अप्लाई होगा और बहुत अच्छे से लगेगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर मेरा आ रहा है और बहुत अच्छे से मेरा आई शेडो भी अप्लाई हो रहा है। थोड़ा थोड़ा लेते हुए आप इसे बिल्ड करेंगे तो बहुत अच्छे से ही आपका कलर बिल्ड होगा। यहाँ आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जिस कलर का आपने साड़ी पहनी हो उस कलर का आप ले सकते हैं। यहाँ मेरी साड़ी ग्रीन कलर की इसलिए मैंने ग्रीन लिया है। देन उसके बाद में यहाँ एक कॉपर सा शिमरी कलर है तो मैं उसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पिक करूँगी और फिर अपने इनर कॉर्नर में से अप्लाई करूँगी। मैं पूरी आईलिड पे से अप्लाई नहीं कर रही, सिर्फ इनर कॉर्नर में अप्लाई करते हुए तो हाफ आईलिड पे से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप यहाँ कॉपर की जगह गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके ड्रेस में गोल्डन वर्क है तो। तो अच्छे से आप इसे अपने जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है, मैंने हाफ लीड तक इसे अप्लाई किया है। और फिर उसके बाद में जो मैंने ग्रीन कलर लिया था उसी ब्रश की हेल्प से, स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि हार्श लाइन ना दिखे और मेरा जो आई शेडो है काफ़ी अच्छे से दिखे। तो देख सकते हैं मेरा आई शेडो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। सो काजल के लिए यहाँ पर मैं NY बेक का आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी यहाँ काजल अप्लाई कर सकते हैं जो आप चाहें। और मैं इसे अच्छे से अपनी लोअर वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद में लोअर वाटर लाइन के साथ साथ मैं इसे अपनी अपर वाटर लाइन में भी अप्लाई कर रही हूँ। तो दोनों आईज में मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा कि लोअर वाटर लाइन के साथ साथ आप इसे अपर वाटर लाइन में भी अप्लाई करें तो काफ़ी अच्छा लुक आता है आपकी आईज़ का। देन फिर मैं वो जो सेम मैंने ग्रीन कलर एक स्मर्जर ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर वाटर लाइन के नीचे मैं अप्लाई करूँगी ताकि स्मोकी लुक मुझे मिले। अच्छे से दोनों आईज में मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। देन फिर अब मैं यहाँ पर लाइनर के लिए म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर ले रही हूँ। ये ब्लैक कलर में है और एक लाइनर ब्रश की हेल्प से मैं लाइनर ड्रॉ करूँगी। आप कोई भी यहाँ लाइनर यूज़ कर सकते हैं, जेल हो चाहे पेन लाइनर हो या फिर लिक्विड लाइनर हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा जेल लाइनर है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंस भी है। और एक स्मॉल सी विंग मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है। आप चाहे तो विंग नहीं भी ड्रॉ करें, प्लेन लाइनर लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा लाइनर अच्छे से अप्लाई हो गया है। देन मस्कारा यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, काफ़ी वॉल्यूम देता है आपकी लैशेस में। एक या दो कोट में ही काफ़ी आपकी लैशेस थिक लगने लगती हैं। तो यहाँ मैंने अपर और लोअर लैशेस में से अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद में फिर मैं यहाँ अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। एक कप लाइट ब्राउन सा शेड मैंने पिक किया है पैलेट में से और फिर मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोरिंग अपने फेस पे करनी है वहाँ पर मैं ये लाइट ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग करने से हमारा फेस के जो जितने भी फीचर्स है काफ़ी शार्प लगने लगते हैं और काफ़ी अच्छा हमारा फेस लगने लगता है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेटली इस कॉन्टोर पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए ज़रूर एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगी। और एक मैंने स्मॉल ब्रश लिया है, उसमें ही ब्राउन शीट लेके अपने मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद में फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोर शेड अप्लाई किया था वहाँ वहाँ इसके अच्छे से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं लगे। आपको इतनी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वहाँ पर प्रोडक्ट बिल्कुल लगा हुआ है। अच्छे से ब्लेंडिंग करिए ताकि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देन फिर अब मैं यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश के लिए बिल्कुल मैंने लाइट पिंक सा शेड लिया है और स्माइल करते हुए मैं ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ। आप हमेशा स्माइल करते हुए ब्लश को अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ब्लश अप्लाई होगा। और फिर कॉन्टोर के साथ इसे आपको मिक्स कर देना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका कॉन्टोर अलग जा रहा है और ब्लश अलग, दोनों को अच्छे से आपको साथ में ब्लेंडिंग कर देनी है। देन फिर हाइलाइटर के लिए यहाँ पर मैं ये एक लाइट कलर का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्रिज ऑफ द नोज़, अपने चिक्स पे। और अपने ब्रॉ बोन पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ फिंगर्स की हेल्प से। आप चाहे तो यहाँ ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। अपने क्यूपिड बो पे, अपने फॉरहेड पे। देन यहाँ पर मैं लिपस्टिक के लिए मेटालिक लिपस्टिक पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक है। आप कोई भी लिपस्टिक यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेरे ड्रेस में थोड़ा सा पिंक शेड था इसलिए मैंने यहाँ पिंक पिक किया है। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, स्मच प्रूफ लिपस्टिक है। और देख सकते हैं मेरी लिपस्टिक अच्छे से मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिए। देन अब मैं यहाँ अपने इयररिंग्स पहन रही हूँ। आप कोई भी ज्वेलरी यहाँ अच्छे से डाल सकती है अपने ड्रेस के मैचिंग की, काफ़ी अच्छा लुक आपको आएगा। देन अब मैं यहाँ पर रेड कलर की बिंदी लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ अपने ड्रेस से मैचिंग करती हुई बिंदी लगा सकते हैं। और फाइनली मैं अपने बैंगल्स पहन रही हूँ। एंड देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस मेकअप की कि यहाँ पर मैं सिंदूर अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज सिंदूर के बिना तो ये मेकअप इनकम्प्लीट है। सो फ्रेंड, दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप क्लिक करेगा तभी आपको मैं नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक करें, बिकॉज आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है मुझे नई नई वीडियोज़ बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।